कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में 5 मई से ही लॉकडाउन लगा है। कोरोना के डर और लॉकडाउन के कारण कमाकर खाने वाले मजदूर और कारीगरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। घर में बिजली या नल में खराबी जैसे छोटे मोटे कामों के लिए लोग बाहरी मिस्त्री को बुलाना ठीक नहीं समझ रहे हैं। डेली कमाने खाने वाले हैं, उन लोग को तो खैर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। और जो मंथली बेसिस रही इस लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अमीर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और बस डर की वजह से कि कहीं उस संक्रमित होगा तो मुझे भी संक्रमण हो जाएगा, इस वजह से नहीं बुलाते हैं। इस वजह से उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पॉवर्टी का उन लोग को ये झेलना पड़ रहा है पॉवर्टी। कोरोना काल में रोजगार संकट, पटना में करीब 10,000 प्लम्बर, 12,000 के करीब बिजली मिस्त्री हैं, जिनके सामने अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। संक्रमण काल में अब कारीगरों को अपने परिवार का पेट पालने की चिंता सता रही है। ऐसे बुरे वक्त में ये लोग किसी तरह कर्ज लेकर अपने परिवार को चला रहे हैं। इन सभी लोगों को अब सरकार से ही मदद की आस है। जी नहीं, एकदम प्लम्बर का काम हम करते हैं, कोई पार्टी हमको बुलाता नहीं है। किसी का घर में भी खराबी हो तो नहीं बुलाता है। और हम लोग का बाल बच्चा है, एक टाइम खा रहा है, वो भी ठीक से खाना मिल नहीं पा रहा है। हम लोग का कोई काम धाम कुछ नहीं है। लॉकडाउन से फर्क पड़ा है? जी हाँ, लॉकडाउन से कोरोना की वजह से हम लोग का कमाई उमाई सब चीज़ खत्म हो गया। वाला काम करते थे, कोई काम नहीं मिल रहा, यही दिक्कत है। लॉकडाउन 10 महीना बढ़ गया, फिर सर अब दिक्कत है सर, हमको राशन पानी नहीं मिल रहा है। राशन पानी दे सरकार। सरकार का कहना है कि जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड स्किल्ड लेबर हैं, उन्हें हम आर्थिक मदद कर रहे हैं, लेकिन इन कारीगरों को सरकार की घोषणाओं से कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में ये कारीगर अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से कुंदन कुमार की रिपोर्ट।